In this practical, we will learn about the reproductive system of vertebrates. First of all, we will see the vertebrates consist of uh, testes and in this vertebrates excretory system and reproductive system both combine and form the urino genital system in some vertebrates. For example, lizard and snakes and chicken. Agar hum रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है टेस्टिस और इसके टेस्टिस में सेमनीफेरेंस ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं जो इनवर्टिब्रेट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो हैं कई ज़्यादा नंबर में मौजूद होती हैं और इसमें जो किडनीज का स्ट्रक्चर है और उसके जो भी ट्यूब्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट होती हैं और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसकी जो टेस्टिस हैं उसकी जो ट्यूब्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट होती हैं और अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे चिकन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो एक जो है सिंगल टाइम में चिकन थ्री टू फाइव मिलियन ऑफ जो है स्पर्म्स वर्लीज करता है और उसमें टेस्टिस के साथ साथ एंड्रोजन ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं जो ना सिर्फ स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं बल्कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरस्टिक्स जो होती हैं चिकन की उसको भी डिटर्मेंट करने में हेल्प करते हैं अब वो कौन कौन सी होती है? For example, हैं फॉर एग्जांपल कॉम की फॉर्मेशन जो हैन के हेड के रीजन के ऊपर मौजूद होती है इसके अलावा उसका साइज़ और उसके जो है टेस्टिस का साइज़ और उसके जो भी हैं स्पम का नंबर ये सारा कुछ डिसाइड होता है एंड्रोजन ग्लैंड में अगर हम इसका कंपेरिजन करें इनवर्टिब्रेड्स में एसेसरी ग्लैंड मौजूद होते हैं और जबकि उन्हें हम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहते हैं इसमें उसका एडवांस्ड वर्जन होता है जिसे हम एंड्रोजन ग्लैंडस कहते हैं अगर हम इसके स्ट्रक्चर के अंदर देखें क्या क्या मौजूद होता है तो यहाँ पे सबसे पहले उसके जो है ये मेल चिकन है उसके स्ट्रक्चर के अंदर बहुत साइड्स पे जो है टेस्टिस मौजूद होते हैं और दोनों टेस्टिस जो हैं वो फंक्शनल होते हैं मींस के दोनों में जो है स्पर्म सेल्स एट अ टाइम प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और इसमें जो है वो बहुत सारी ट्यूब्यूल्स होती हैं जिस तरह इनवर्टिब्रेट्स में होती हैं जिसे हम सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल्स कहते हैं और सेमिनिफेरेंस जो ट्यूब्यूल्स हैं उसमें स्पर्म फॉर्मेशन होती है और वो जो है स्पर्म्स वहां से बनते हैं और एक और स्मॉल ट्यूब में जाते हैं जिसे हम एपीडेडमस कहते हैं एपीडेडमस से है, वो एक लॉन्ग जो है ट्यूब वहाँ पे जाते हैं जिसे वेस्ट एफरेंस कहा जाता है और यहाँ पे जो वेस्ट एफरेंस है जो टेस्टिस हैं वो इन फ्रंट ऑफ किडनीज मौजूद होते हैं लेकिन बिल्कुल सेपरेट सिस्टम होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटिव सिस्टम यहाँ पे जो आपके पास वेस्ट एफ्रेंस होता है उसमें जो है स्पर्म्स मूव करते हैं और वो एक, एक लुब्यूल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं चिकन में जिसे हम पेपिला कहते हैं और पेपीला जो है वो ओपन होता है क्लेका में और क्ल्योका जो है वो ओपन होता है वेंट में तो जो स्पर्म्स हैं वो पहले पेपीला में आते हैं पेपीला से वो जो है वो क्लेका में जाते हैं और कलेका से वो वेंट के थ्रू जो है वो बाहर रिमूव होते हैं और वो जाते हैं फीमेल चिकन के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें फीमेल चिकन के अंदर कौन कौन से जो हैं पार्ट्स मौजूद हैं तो फीमेल चिकन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू मेल चिकन क्योंकि उसमें ना सिर्फ एग जो है उसने बनना है बल्कि उसके एक्सटर्नल जो है स्ट्रक्चर्स हैं वो भी डेवलप्ड होने होते हैं तो अगर हम यहाँ पे देखें जो चिकन है उसमें जो है एक सिंगल लेफ्ट ओवरी जो है वो फंक्शनल होती है जबकि मेल चिकन के अंदर दोनों जो हैं टेस्टिस जो बहुत साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होते, है, होते हैं वो फंक्शनल होते हैं ओवरीज जो हैं वो लीड करती हैं ओवीडक्ट में यहाँ पे ये जो है ओवरीज मौजूद हैं और ये लीड करती हैं ओविडक्ट में अब ओविडक्ट जो है एक डक्ट है जो एक्सेप्ट करती है रिसीविंग के लिए है एग्स की जैसे ही एग जिसे हम यहाँ पे फॉलिकल कह रहे हैं मिच्योर फॉलिकल रिलीज होता है ओवरी से तो वो जाता है ओविडक्ट के अंदर अब फीमेल चिकन यानी कि हैं के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं ओविडक्ट के और हर एक पार्ट का अपना एक सेपरेट फंक्शन है यहाँ पे हम देखें कि सबसे पहले इनफर्डी बिलम होता है ये वो रीजन है जहां पे फीयन होनी है है पे होनी मेल और जो फी मेल जो फीमेल सेल्स हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनकी उसके बाद आपके पास आता है सेकेंड पार्ट ऑविडक्ट का यहाँ पे मैग्नम होता है जब फ्यूजन हो जाएगी और एक जाइोड बन जाएगा और योग के अंदर वो मौजूद होगा तो योग के अंदर जो है एग के अंदर और भी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं ओविडक्ट के वो बनाते हैं तो यहाँ पे जो है मैग्नम वो क्या करेगा वो एल्ब्यूमिन बनाएगा जो वाइटिश पार्ट होता है एग के अंदर उसके बाद जो है वो जाते हैं इस्थमस में और इस्थमस में एग के जो आउटर और इनर जो है शेल मेम्बरेन्स बनती हैं इसमें और उसके बाद जो है जो वाइट कैल्शियम कार्बोनेट का शेल जो नजर आता है हमें एग के अंदर वो बनता है यूट्रस के जो हैं शेल ग्लैंड उनमें यहाँ पे जो हैं बहुत सारे शेल ग्लैंड मौजूद होते हैं और इसके अलावा एक्सटर्नल एक स्ट्रक्चर होता है शेल के बाहर जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं जो प्रोटेक्शन के लिए होता है एग की पोर्स जो एग के अंदर मौजूद होते हैं उनकी सील करता है ताकि कोई भी बैक्टीरिया या सोइल पार्टिकल्स जो हैं वो एग के अंदर ना जाएँ और एग जो है वो ख़राब ना हो जब एग की सारी फॉर्मेशन हो जाती है तो वो आते हैं वेजाइना में और वेजाइना में दोबारा उसमें जो अगर क्यूटिकल कुछ रहती है जो यूट्रस के अंदर नहीं बनी तो वो वेजाइना में बनती है और वेजाइना के बाद जो है एग एक फुली डेवलप्ड फॉर्म में क्लियोका के थ्रू जो है बाहर ले किया जाता है तो जो हैन के अंदर एग ले होता है जो एज अ फूड सोर्स भी यूज होता है वो फर्टिलाइज फॉर्म में मौजूद होता है दिस इज़ ऑल अबाउट दी एक्सट्रियटरी स्ट्रक्चर ऑफ वर्टीब्रेड्स इसी तरह ह्यूमन में भी और रेप्टल्स में भी मेन एक्सक्रियट्री स्ट्रक्चर यही हैं अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें ओवरीज हैं और ओविडक्ट है यूट्रस है और, और वेजाइना है और अगर हम मेल की बात करें तो उसमें जो है वो टेस्ट हैं उसमें वेज डेफ्रेंस है और उसके बाद जो है वो पीनस है जिसके थ्रू जो है स्पर्म ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है जनरल स्ट्रक्चर किसी भी सिस्टम का वो सारे जितनी भी क्लासेस हैं वर्टिब्रेड्स की उसमें सिमिलर है तो स्टूडेंट्स इसमें हमने इस प्रैक्टिकल में क्या स्टडी किया हमने वर्टिब्रेड का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टडी किया है और इसमें हमने जो है स्ट्रक्चर स्टडी किया है चिकन का मेल चिकन का और फीमेल चिकन का मेल चिकन के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का काम क्या है जस्ट स्पर्म सेल्स बनाना और उन्हें फ़ीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करना जबकि फीमेल चिकन का काम ये है कि फॉलिकल्स के साथ जो है या मिच्योर एग जिसे हम कहते हैं उसकी फ्यूजन होना ओविडक्ट में और उसके जो है डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो एग का जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जिस तरह शेल बनना आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन और क्यूटिकल बनना वो सारा जो है वो ओविडक्ट के अंदर होता है और वो क्ल्योका के थ्रू बाहर आता है और इस तरह सारे स्ट्रक्चर्स जिसमें सिमिलर होते हैं तो आप बाकी भी जितने भी वर्टिब हैं उसका स्ट्रक्चर जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच गुड लक